हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस टीवी मौज का आज था डे नंबर 9। सैटरडे ट्रेंड चलता रहा सारा दिन, पर कलेक्शन साथ साथ में ऑक्यूपेंसीज में क्या कुछ मजे आए हैं सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यार सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टीवी मौज का जो वर्ल्ड वाइड नंबर है ये अपडेट होकर के आ चुका है एंड दैट इज रीचिंग 90 करोड़। जी हाँ, 90 करोड़ के आसपास का नंबर जो है ये वर्ल्ड वाइड में हो चुका है। तो जैसे मैं आपसे बोलती हूँ ना कि यार 100 करोड़ की तरफ स्टॉर्म करती हुई नजर आ रही है, 100 करोड़ की तरफ अब ये बहुत जल्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैं आपसे मंडे आफ्टरनून में टोटल इस वीकेंड की यानी कि सैटरडे संडे की टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूंगी, 100 करोड़ क्रॉस हो चुका होगा। दैट इज अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर अ फिल्म लाइक दिस, जिसका शुरू में बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था, जिसको कोई भी बड़े क्रिटिक्स जो हैं सबके सबने खारिज कर दिया था। शुरू में ये बता दिया था कि फिल्म जो है बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करने वाली है, इसको ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी, इसको ऑडियंस मिलेगी ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे एक चीज कही थी कि ये जो फिल्में होती है, रोम कॉम जो फिल्में होती हैं और जो ऐसे मौके पर रिलीज होती हैं, जैसे वैलेंटाइंस डे पर ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके मौके पर हुई थी, मतलब वैलेंटाइंस डे पर तो नहीं, इनको धीरे धीरे ऑडियंस मिल जाती है। और लिटरली आज जो पोस्टर शेयर किया गया है उसमें थैंक यू ऑडियंस बोला गया है इन द यू नो पोस्टर, इन दैट पोस्टर, ये वो पोस्टर, ये आपने नीचे इसको देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा थैंक यू ऑडियंस एंड दैट्स अ ह्यूज डील। मैंने आज तक जितने भी पोस्टर्स देखे हैं ना, मैंने उसमें जनता का प्यार या जो हम यूजुअली ऐसे गिमिकरी वर्ड्स वगैरह देखते हैं वो सुनाई देता है, लेकिन बड़े जेन्युइन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी गई है थैंक यू ऑडियंस, एंड लिटरली ये फिल्म को ऑडियंस ने ही सर आंखों पर बिठाया है। अब देखो 100 करोड़, मैंने आपसे कहा कि ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये फिल्म 100 करोड़ करेगी, मतलब लग रहा था शायद ये टैंक कर जाएगी डे वन के बाद, लेकिन फिर इसमें जंप आना स्टार्ट हुआ। फिर वैलेंटाइंस डे पर तो क्या जबरदस्त जो यू नो कलेक्शंस में जंप आया है, उसके बाद से ही कह लो कि ऑडियंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आनी शुरू हो गई। तो अभी इस वक्त आज के दिन क्या चल रहा है, डे नंबर 9 पर क्या चल रहा है? देखो यार, डे नंबर 9 का मैं आपको बताऊं कि अभी 8 बजे तक की यहाँ पर ऑक्यूपेंसी की हम लोग बात करेंगे, मॉर्निंग शोज में ही आज 11% की ऑक्यूपेंसी, यूजुअली ये हम इवनिंग में देख रहे थे राइट, मॉर्निंग शोज 11%, आफ्टरनून शोज 19.8%, करीब करीब 20% मैं इसको कह सकती हूँ, और इवनिंग शोज में 23.2% की ऑक्यूपेंसी रही है। अब ये ऑक्यूपेंसी अगर मैं आज रात की बात करती हूँ ना आपसे, तो आज रात कहीं ना कहीं 28 से 30% या उससे अबव भी जा सकती है। आज सैटरडे नाइट है, लोग बाहर निकलते हैं और आप देख ही रहे हो कि अब जो इतना जो सर्दी का यू नो प्रकोप था इन द नॉर्थ, वो अब काफी बेटर हो चला है। तो मुझे लगता है नॉर्थ में जो है शोज, नॉर्थ में जो है ऑक्यूपेंसीज, वो कहीं ना कहीं 30% तक रीच करने की आज पूरी की पूरी यू नो पूरा का पूरा मादा रखती है, पूरी हिम्मत रखती है, और अगर ऐसा हो गया फिर तो मजे आ जाएंगे। और जहां तक रही बात अभी तक कलेक्शंस की, तो यार मेरी आज की प्रेडिक्शन थी कितनी, 4 करोड़, ठीक है 3.5-4 करोड़ मैंने आपसे कहा था, बहुत होगा 4.5 करोड़, लेकिन इस वक्त पर कलेक्शन आ चुकी है 3.74 करोड़, यानी कि 3.5 को क्रॉस कर चुकी है, 4 की तरफ स्टॉर्म कर रही है। मुझे लगता है ये आज 4 करोड़ करनी ही करनी चाहिए, 4.5 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 4.5 करोड़ थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है कल करे, लेकिन आज मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी 3.74 करोड़ तक नंबर जो है ये पहुंच चुका है, और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 51 करोड़ की हो चुकी है, बजट 50 करोड़ का। आपको पता है कई लोग बोल रहे थे इन द कमेंट सेक्शन कि यार क्या बात कर रहे हो, बजट जो है ये 50 करोड़ है, कहां आप 6 करोड़ की ओपनिंग के ऊपर कहते हो कि इसका बजट रिकवर हो जाएगा, इसका बजट कुछ रिकवर नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों नेगेटिविटी काफी ज्यादा कुछ लोग कर रहे थे, ट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी देखो बजट रिकवर हो चुका है, साथ साथ में अब हम जैसे 100 करोड़ की बात करते हैं कि ग्रॉस जो आएगा वर्ल्ड वाइड वो 100 करोड़ का नंबर आने को तैयार बैठा है। बात करूं अगर अभी बुक माई शो की, तो अभी बुक माई शो पर 6.32 के यानी कि 6,500 के आसपास टिकट जो है ये हर घंटे की बुक हो रही हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज दिल्ली एनसीआर कैसा दिखाई देता है, क्या मुझे यहाँ पर, आप अगर यहाँ पे कलर्स देख पा रहे हो, आई डोंट नो थोड़ी सी ग्लेयर ज्यादा पड़ रही है लाइट की, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है, नहीं दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ बहुत बढ़िया हाउसफुल फिलिंग फास्ट के शोज चल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में ये ट्रेंड जब आ जाता है तो समझ लो कि कलेक्शन में मजे आएंगे। और अगर हम बात करें कल की, क्या मुझे कल अभी कुछ नजर में आ रहा है, कहीं कोई फिलिंग फास्ट वगैरह नजर में आ रहा है? अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ड्यूरिंग मतलब कल जो है वो टाइट चेंज होगी। हाँ कहीं कहीं पर आ रहा है, अभी ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में अभी दिल्ली पीवीआर डायरेक्टर्स कट एम्बियंस मॉल जो है यहाँ पर दिख रहा है, पीवीआर डायरेक्टर्स कट गुड़गांव में भी एम्बियंस मॉल में हमारे को फिलिंग फास्ट नजर आ रहा है, लेकिन शो काउंट्स बहुत जबरदस्त हैं। क्या आज कुछ शो काउंट्स में कमी आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आज कुछ चेंज हुआ होगा शो काउंट्स में। मुंबई 486 शोज, दिल्ली एनसीआर 745 शोज, कल जैसे ही शोज हैं, शो काउंट्स में कोई चेंज नहीं है, बल्कि हमको ये और देखने को मिल रहा है कि अब अगर डिमांड बढ़ गई, मान लो डिमांड बढ़ गई और यू नो बहुत ज्यादा कलेक्शंस में एक जंप आया, तो फिर शो काउंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा भी होता है शो काउंट्स रिड्यूस होने के बाद इंक्रीज होती हुई हिस्ट्री भी मैंने देखी है, कई फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है अभी ये फिल्म
आराम से चलते चलते भी, एक तो अपना 80 करोड़ अगर बजट बोल रहे हो तो वो 80 करोड़ को भी क्रॉस करेगी, और भाई 100 करोड़ सामने आता हुआ दिख रहा है अभी। इस सब पर आपका क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉस्ट ऑल फाइन।